तो दोस्तों, वैसे तो आपने इस वीडियो के थंबनेल को देख के आइडिया लगा लिया होगा कि आज की जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे रहने वाली है और कितनी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों, अगर आप टेली के फ्रेशर स्टूडेंट्स हो, आप अकाउंट्स को और टेली को प्रैक्टिकल तरीके से सीखना चाहते हो, तो आपको इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ ज़्यादा सीखने को भी मिलेगा। तो दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन था वीडियो के थंबनेल पे वो यही है, भी अजय ने 50,000 रुपये से व्यापार शुरू किया है, तो इसकी प्रैक्टिकल एंट्री क्या होने वाली है। अगर हम बात करें रियल बिजनेस की, तो इस लाइन को हम रियल बिजनेस में हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में इसकी एंट्री किस प्रकार करेंगे, तो मेरा मानना है 90% स्टूडेंट्स इसका जवाब यही देंगे कि कैश काउंट डेबिट टू कैपिटल काउंट है इसकी जो प्रैक्टिकल एंट्री होगी। तो दोस्तों, अगर आप भी यही सोचते हो कि कैश काउंट डेबिट टू कैपिटल काउंट इसका प्रैक्टिकल एंट्री होगी, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। और इसमें सही एंट्री क्या होगी, ये आज आपको मैं इस वीडियो में प्रैक्टिकल और लाइव बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को एंड तक आप कंप्लीट देखना। वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद में अगर आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आंसर आ रहा है द कैश काउंट डेबिट टू कैपिटल, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल रहने वाली है। वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल पर अकाउंट से रिलेटेड इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो लगातार अपलोड करते रहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुतार और स्मार्ट अकाउंटिंग आरसनआर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, टेली सॉफ्टवेयर में एंट्री करने से पहले एक बार हम उस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा ही नहीं है और जल्दबाजी में इसका आंसर बता दिया भी कैश काउंट डेबिट टू कैपिटल काउंट। तो दोस्तों, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है भी अजय ने 50,000 रुपये से व्यापार शुरू किया, तो इसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ भी अजय ने 50,000 रुपये नगद से व्यापार शुरू किया, पहली बात तो ये। सेकंड, अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी समझ लेते हो भी अजय ने 50,000 रुपये से नगद से व्यापार शुरू किया है, और उसकी एंट्री भी अगर आप ये समझते हो भी कैश काउंट डेबिट टू कैपिटल काउंट, अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें या फिर मैनुअल बुक्स की बात करें या किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो सकता है, तो उस सॉफ्टवेयर में जो हम एंट्री करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, अगर आप उसको ये सोचते हो भी कैश काउंट डेबिट टू कैपिटल काउंट। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है भी जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं जिनको बुक्स नॉलेज होता है, तो वो इसको एंट्री को इसी तरीके से ही समझेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली में ऐसा होता नहीं है। अब प्रैक्टिकली में क्या होता है वो आपको बताऊंगा। दोस्तों, हम कैपिटल की एंट्री है, जब कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है तो उसकी एंट्री दो तरीके से होती है, वो कैश में भी हो सकती है, वो बैंक के थ्रू भी हो सकती है। तो आपको मैं दोनों का लाइव प्रैक्टिकल बताऊंगा, लेकिन ये जो एंट्री आप देख रहे हो कैश काउंट डेबिट टू कैपिटल काउंट, ये तो किसी हालात में भी नहीं होगी। तो अगर आपके पास बुक्स नॉलेज है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन प्रैक्टिकली में ऐसा होता नहीं है। अब प्रैक्टिकली में क्या होता है वो हम टेली सॉफ्टवेयर में देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें अजय का एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम क्रिएट पे जाएंगे, लेजर पे जाएंगे और अजय के नाम से एक लेजर क्रिएट करेंगे, और उसका जो ग्रुप है वो हम रखेंगे कैपिटल काउंट। अगर आपके पास बुक्स नॉलेज है तो आप इस एंट्री को इस लेजर को इस तरीके से बनाओगे कैपिटल काउंट और अंडर में कैपिटल काउंट। तो दोस्तों, अगर आप इस एंट्री को इस तरीके से बनाने की सोच रहे हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना भी आपके माइंड में भी इसी तरीके की एंट्री चलती है। आप जो अजय कुमार के नाम से, अजय का नाम से जो हम लेजर क्रिएट करने हैं, अजय का नाम न लिखने के बजाय आप इसमें जो लेजर में नाम जो लिखना होता है वो कैपिटल लिखते हो, तो कैपिटल नाम नहीं आएगा, नाम आएगा अजय का, क्योंकि इस क्वेश्चन में सबसे लिखा हुआ भी अजय ने 50,000 रुपये से व्यापार शुरू किया है, तो इसका मतलब जो व्यापार शुरू है, जो बिजनेस है, उसका जो मालिक है वो अजय है, तो नाम लेजर जो क्रिएट होगा वो अजय के नाम से होगा, और इसका जो अंडर ग्रुप रहेगा वो कैपिटल काउंट रहेगा, और इसको कंट्रोल ए के साथ करूंगा एक्सेप्ट। दोस्तों, ये तो था लेजर बनाने की प्रक्रिया, अब हम करते हैं इसकी एंट्री के बाद। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी कैश काउंट की, अगर मान लीजिए हमने अजय 50,000 रुपये से कैश से बिजनेस शुरू किया है, तो इसकी एंट्री किस तरीके से होगी। वाउचर पे हम जाएंगे और रिसिप्ट वाउचर हम यूज़ करते हैं जब हम कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कैपिटल जो पैसा लगाने की जो एंट्री होती है वो हमेशा रिसिप्ट वाउचर में ही होती है, चाहे वो कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है। तो नाम हम सेलेक्ट करेंगे अजय का, और उसके बाद में अमाउंट हम सेलेक्ट करेंगे 50,000 रुपये, और उसके बाद में डेबिट करेंगे कैश। तो दोस्तों, ये एंट्री तो उस कंडीशन में होती है अगर आपके के सामने क्वेश्चन को ये रखा जाए कि अजय ने 50,000 रुपये नगद से व्यापार शुरू किया, तो क्योंकि इसमें नगद का कहीं
वर्ड यूज नहीं किया हुआ है तो आप इसको केस नहीं मान सकते। और कैपिटल काउंट अगर बात करें तो इसकी कैपिटल कितनी होगी, अगर आप केस मान भी रहे हो तो केस काउंट डेबिट टू अजय कुमार, यानी कि अजय के नाम से यहाँ पे कैपिटल की जगह अजय का नाम आएगा। तो अगर आप केस की एंट्री देखते हो तो केस की तो एंट्री होगी इस प्रकार से। और इसको वाउचर को हम करेंगे सेव। दोस्तों जो सेकंड तरीका होता है बिजनेस में पैसा इन्वेस्टमेंट करने का वो यही होता है, अब मान लीजिए अजय के पास 50,000 रुपये कैश नहीं है, उसने अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करी भी मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। तो अजय के फ्रेंड ने जो 50,000 रुपये वो उसको नकद न देने के बजाय अजय कुमार का जो सेविंग अकाउंट है उसके सेविंग अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। अब सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया और अजय अपना जो सेविंग अकाउंट है अजय का पर्सनली जो अकाउंट है उसको बिजनेस में शो करना चाहता है, तो उसकी एंट्री किस तरीके से होगी, एंट्री रिसिप्ट वाउचर में भी होगी लेकिन किस तरीके से हम देखेंगे। 50,000 रुपये और उसका जो पैसा आया है वो बैंक में आया है, तो अब बैंक का लेजर हमें एक क्रिएट करना पड़ेगा। एल्ट सी से हम यहाँ से बैंक का लेजर क्रिएट करेंगे, SBI सेविंग अकाउंट, और इसको अंडर में रखेंगे हम बैंक अकाउंट के, और कंट्रोल ए के साथ इसको करूँगा एक्सेप्ट। तो दोस्तों ये तो था पैसा अगर 50,000 रुपये आया तो। अब कई बार ऐसा हो सकता है भी अजय का जो सेविंग अकाउंट है वो काफ़ी टाइम से चल रहा है, काफ़ी टाइम से वो मेंटेन हो रहा है, तो अजय कुमार के पास जो सेविंग अकाउंट है उसमें 50,000 के अलावा इसका जो पर्सनल बैलेंस है 5,000 रुपये वो भी था इसमें, यानी कि 50,000 रुपये तो इसके फ्रेंड ने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र किए लेकिन उससे पहले अजय के खुद के पैसे भी 5,000 रुपये उस बैंक में थे। तो अगर हम बैंक को बिजनेस में शो करना चाहेंगे SBI सेविंग अकाउंट को तो हमें टोटल जो एंट्री है वो अब 55,000 रुपये यहाँ पर करनी पड़ेगी, क्योंकि जो बैंक बैलेंस है वो 55,000 रुपये से डेबिट होगा, ओपनिंग बैलेंस है जो इसका, और इस वाउचर को हम करेंगे एक्सेप्ट। तो दोस्तों अगर आप 50,000 रुपये की एंट्री अलग करना चाहोगे तो आपको एंट्री इस तरीके से करनी पड़ेगी, 50,000 रुपये की एंट्री तो आप अलग से करोगे और उसके बाद में जो आपके पास 5,000 रुपये अजय के पास ऑलरेडी पहले था तो उसकी एंट्री भी आपको करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका जो SBI का सेविंग अकाउंट का जो बैलेंस है वो आपका बैंक स्टेटमेंट के साथ और आपके टैली सॉफ्टवेयर के साथ है जो मेंटेन नहीं होगा। अगर अजय कुमार के पास जो पैसा है वो बिल्कुल जीरो था, यानी कि उसमें सेविंग अकाउंट में एक रुपया भी नहीं था और सीधा 50,000 रुपये जो फ्रेंड ने डिपॉजिट करवाया केवल वही है, तो आपको जो एंट्री है इस तरीके से करनी पड़ेगी, क्योंकि 50,000 रुपये के साथ ही SBI सेविंग अकाउंट है जो स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस एंट्री से रिलेटेड डाउट है जो क्लियर हो गया होगा। भी हमें एक बात का ध्यान रखना है, हम जब कैपिटल लगाते हैं तो कैपिटल का वर्ड हम यूज नहीं करेंगे, इसकी जो सही एंट्री रहेगी नगद से अगर शुरू कर रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू अजय रहेगा। अगर वो पैसा बैंक की तरफ से सीधा डायरेक्ट बैंक में आया है और बैंक से ही हमने स्टार्ट किया पैसा, जो लोगों को पेमेंट हमें करनी है वो बैंक के थ्रू ही हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा जाएगा SBI बैंक से SBI सेविंग बैंक अकाउंट डेबिट टू अजय। तो इस तरीके से हमें एंट्री प्रैक्टिकल तरीके से होती है और इस वाउचर को हम करते हैं सेव। अब जो पैसा 50,000 रुपये आ गया है और वो 50,000 हमने पैसा बैंक से विड्रॉल कर लिया है, तो इसकी एंट्री हम करते हैं F4 कॉन्ट्रा वाउचर में, और इसमें हम बैंक को करेंगे क्रेडिट 50,000 रुपये से, और उसके बाद में यहाँ पर इसका चेक नंबर हमें लिखना पड़ेगा जो चेक यूज किया है, और उसके बाद में कैश को डेबिट करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से अगर हमने कैश में किया है तो अब ये जो पैसा है 50,000 रुपये का, अब इसको हम ये नहीं बोलेंगे ये 50,000 रुपया बिजनेस शुरू करने के लिए लगाया गया है, अब जो लगाने की जो एंट्री थी वो हमने पहले कर दी है, और इस वाउचर को हम करेंगे यहाँ पे सेव। तो हम टोटल ट्रांजैक्शन अगर बुक्स के देखें तो टोटल जो 3 ट्रांजैक्शन बुक्स में हो गई है, सबसे पहले वाली एंट्री तो अगर पैसा हमने बैंक से विड्रॉल करी है उसकी एंट्री आ रही है, और उसके बाद में अजय ने 50,000 रुपये नकद से अगर बिजनेस शुरू किया है तो इसकी एंट्री इस तरीके से होगी, अजय क्रेडिट होगा कैश डेबिट होगा। अगर पैसा बैंक के थ्रू आया सीधा तो अजय क्रेडिट होगा और SBI बैंक का जो डेबिट होगा। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।